तो बाहर आने के बाद यार, तो यहाँ पे अभी मैंने दर्शन किया, मंदिर कितना ज्यादा पुराना है, कितना साल पुराना है? काफी जो पुराना मंदिर है। यहाँ पे आंटी जी भी है, तो आंटी जी भी बताएंगे काफी करमडी में, करमडी ना है। हाँ, करमडी। तो गाइस यार, मंदिर में अंकल जी यहाँ पे जो है दर्शन करके जाहिर इस प्रकार से इस मंदिर का व्यू, इस मंदिर का बाबा जी भी यहाँ पे मौजूद है। तो आइए इन बाबा जी से पूछते हैं इस मंदिर के बारे में। तो बाबा जी बताइए कि मंदिर मतलब कितना, ये जो पानी दिखाई दे रही है कभी मतलब समाप्त ही नहीं होता है, तो क्या मतलब ऐसा है बात? यहाँ सुबह से लेकर के शाम तक बहुत दांता लगा रहता है भक्तों का। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज का इस ब्लॉग में मैं आपको लेके चलूंगा करमडी का जुड़वनिया मंदिर और साथ ही खोनहर नाथ मंदिर जो कि गढ़वा में ही है, तो वहां का पूरा नजारा मैं आपको दिखाऊंगा। आज है यार सावन का तीसरा सोमवार, तो वहां का जो है पूरा का व्यू दूंगा। फिलहाल यार समाहर नाले से आ रहा हूं अपना लर्नर लाइसेंस लेके। खैर एक लर्नर लाइसेंस का भी ब्लॉग बनाया हुआ, लेकिन उसे मैं अपलोड करूंगा जल्द ही, तो वहां से आप लोग जाके देख लीजिएगा। फिलहाल यार अभी मैं जो है गढ़वा जिला का हाईवे पे हूं। इस साइड में यार जो करमडी का जो क्या बोलते हैं यार मंदिर है, वो जाने में यार पास में होता है। तो अभी तो यार यहाँ से मैं जो है समाहरणालय से रिसीव किया इस लर्नर लाइसेंस को। पुल आप लोग देख रहे हैं जो है हमारा गढ़वा जिला का करमडी का पुल है, तो इससे जो है ज्यादा फेमस है करमडी। ओके यार, तो ये डालू नदी का पुल है, वहाँ पे आपको कोन्हा नाथ सॉरी यार वो जुड़निया मंदिर देखने मिलता है। चलते हैं यार वहाँ पे। ओके यार, तो अभी मैं जो है आ चुका हूँ गढ़वा जिला का जुड़वनिया मंदिर के पास। अभी पूरा का पूरा व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। खैर मैं दर्शन कर लिया हूँ, तो आपको जो है पूरा का पूरा मंदिर का नजारा जो भी है वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊँ। मंदिर के अंदर आप लोग जैसे ही इंटर करेंगे, यहाँ पे इंटर करने के बाद यार यहाँ पे जो है भोलेनाथ जी विराजमान है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस घंटा बजाने के बाद। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे भोलेनाथ जी जो है विराजमान है। कुछ मंदिर भी यार काफी जो है विशाल सा यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, तो काफी यार अच्छा माहौल बनता है। वैसे सुबह सुबह यहाँ पे लोग जो है पूजा करने आए हुए थे। आज जो है सावन का तीसरा सोमवार है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और इस साइड में हमारे बजरंग बली जी भी विराजमान है, जो कि मैं बाहर से चलने के बाद दिखाऊंगा। और मंदिर का भी आप लोग देख सकते हैं यार, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, काफी ज्यादा जो है प्यारा यहाँ पे भी प्रतिमा देखने मिलता है, तो काफी ज्यादा खूबसूरत यार है। आई थिंक ये क्लोज है, तो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने मिलता है। भोलेनाथ जी का दर्शन करके जैसे ही आप लोग बाहर आएंगे, तो बाहर आने के बाद यहाँ पे जो है गणपति बाबा विराजमान है। एज यू कैन सी यार, यहाँ से आप लोग जो है गणपति बाबा जी का दर्शन कर सकते हैं। एंड हाँ, यहाँ पे भी जो है महाकाल जी विराजमान है। काफी ज्यादा यार प्यारा नजारा यहाँ पे आपको देखने मिलता है, तो काफी यार अच्छा माहौल बनता है। सुबह से भी यार काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पे लगता है, लोग आते हैं पूजा वगैरह करते हैं, कुछ कुछ शाम में भी आते हैं, लेकिन सुबह जो है ज्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यार यहाँ पे जो है हमारा बजरंग बली विराजमान है। एज यू कैन सी यार, मैं आपको दर्शन कराता हूँ घंटा बजाने के बाद। देख, तो काफी जो है खूबसूरत सा प्रतिमा यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है हमारे वीर बजरंग बली का, तो काफी यार प्यारा लगा। तो और यहाँ पे एक भैया जी भी है, तो आइए इनसे जो कुछ पूछते हैं इस मंदिर के बारे में। तो भैया जी बताइए कि मतलब मंदिर कितना ज्यादा पुराना है, कितना साल पुराना? बहुत पुराना है जी। यहाँ ऐसे भक्साले है ना जी, इसमें इसमें बाढ़ आया था, उस बाढ़ में चौदह पानी चढ़ा। अच्छा, ऐसा ये महादेव देव देव महादेव है। तो यार ये जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं अभी, जो मैंने आपको पूरा का पूरा नजारा दिखाया, भैया जी जो यहाँ पे बताया कि ये जो नदी आपको दिखाई दे रहा है, इसका पानी जो ये चौथरा तक आया। काफी जो पुराना मंदिर है, यहाँ पे आंटी जी भी है, तो आंटी जी भी बताएंगे काफी ज्यादा पुराना यह मंदिर आपको यहाँ पे देखने मिलता है। तो काफी यार एक यूनिक सा प्लेस आपको देखने मिल जाता है गढ़वा का इस करमडी में। करमडी ना है? हाँ, करमडी। तो करमडी में यार काफी जो है प्यारा सा जो है प्लेस देखने मिलता है। अगर आप लोग कभी नहीं आए हैं, तो यहाँ पे यार एक बार आप लोग जरूर विजिट कीजिए, काफी ज्यादा सुकून मिलेगा, काफी ज्यादा शांति मिलेगा यार। मंदिर में दर्शन करने के बाद इस साइड में आपको जो है बजरंग बली का प्रतिमा देखने मिलता है, जो की यार काफी ज्यादा विशाल सा है। एज यू कैन सी यार काफी ज्यादा विशाल सा यहाँ पे प्रतिमा आपको देखने मिलता है। मैं आपको पास से एक बार गढ़वा जिला का करमडी में यार एक बार आप लोग जरूर आइए, काफी जो है मजा आने वाला है यार। और यहाँ पे आप लोग आएंगे तो यार यहाँ पे शनिदेव जी का भी मंदिर देखने मिलता है। मैं यहाँ पे आपको घंटा बजा के दर्शन कराता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफी जो है खूबसूरत सा शनिदेव का प्रतिमा देखने मिल जाता है यार। तो यहाँ का जो है पूरा का पूरा व्यू नजारा मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं आपको लेके चलूंगा गढ़वा जिला का खोनहर नाथ मंदिर में, और वहाँ का पूरा नजारा दिखाऊंगा यार, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। हर हर महादेव। मंदिर तो हमारे याद से बहुत पहले चला आ रहा है, प्राचीन मंदिर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा शीतल माता जो है विराजमान है, कुछ इस प्रकार से। वो मंदिर का तो व्यू मैंने आपको दिखाया, लेकिन उस मंदिर से दूर यहाँ पे जो शीतल माता का भी मंदिर आपको देखने मिल जाता है, जो कि यार काफी ज्यादा खूबसूरत एंड काफी ज्यादा सीट यार प्रतिमा में यहाँ पे भी आपको देखने मिलता है। एज यू कैन सी यार, क्या
यार तो फाइनली जो है बाबा भोलानाथ मंदिर के पास आ चुका हूँ। अंदर आप लोग आएंगे तो यार कुछ इस प्रकार से इसका गेट देखने मिलेगा और ये जितना ये बाहरी हिस्सा आपको डेवलपमेंट देखने मिल रहा है यार ये किनके द्वारा डेवलप कराया गया है। आइए सबसे पहले आपको ये मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद यार मैं आपको ये अंदर लेके चलूंगा। कुछ साल पहले मैं यहाँ पे आया हुआ था, ये जितना भी आपको देखने मिल रहा है ये बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर इंक्लूडिंग श्री विष्णु दयाल राम जी के द्वारा जो है बाहरी हिस्सा को डेवलप कराया गया है और अंदर में भी लाइटिंग वगैरह अच्छा खासा लगा दिया गया है। तो चलिए अभी मैं आपको जो है इस मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ और पूरा का पूरा जो है कैप्चर करके देता हूँ यार पूरा का पूरा मंदिर व्यू। ओके यार तो अंदर आप लोग जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको पार्किंग एरिया देखने मिल जाएगा जो कि यार काफी ज्यादा मतलब दूर में फैला हुआ है यार, काफी ज्यादा यहाँ पे वाहन जो है लग सकती है। और इस साइड में आपको जो है मार्ग देखने मिल जाता है बाबा भोलानाथ मंदिर में जाने का। तो चलिए मैं आपको जो यार और अंदर लेके चलता हूँ यार, काफी ज्यादा यहाँ पे कुछ कुछ डेवलप हुआ है। 4-5 साल पहले मैंने आया था जैसे कि मैंने आपको बताया तो यार यहाँ पे डेवलप नहीं था। खैर इसका एक पुराना ब्लॉग भी बनाया हुआ है तो उसे भी आप लोग जो है जाके चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे अंकल और आंटी जी बहुत लोग यहाँ पे आए हुए हैं भोलानाथ बाबा मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। तो अंकल जी यहाँ पे जो है दर्शन करके जा ही रहे थे कि मेरे को देख लिए। और इस साइड में बाबा और दादी लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं एज यू कैन सी यार। तो काफी यार अच्छा माहौल बनता है सोमवार में इस सावन का पावन दिन में, तो यार काफी ज्यादा अच्छा लगा। अभी जो है अंकल जी से मैंने आपको मिला दिया, अभी चलिए मैं आपको जो है मंदिर का अंदर का नजर रखाता हूँ यार। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको बोर्ड देखने मिल जाएगा, इस साइड में आपको पूरा का पूरा जो है मंदिर व्यू देखने मिलता है यार। ओके यार तो अभी मैं जो है मंदिर के अंदर में आ चुका हूँ और यार मंदिर के अंदर सबसे पहले मैं जाके और दर्शन कराता हूँ, उसके बाद यार इस मंदिर का चारों ओर जो है दर्शन कराऊंगा, व्यू दिखाऊंगा, काफी ज्यादा यार मजा आने वाला है। आप लोग देख सकते हैं बाहर से कुछ इस प्रकार से इस मंदिर का व्यू देखने मिल जाता है। तो आज जो है सावन का थर्ड सोमवार था तो बहुत लोग यहाँ पे आए हुए भी। खैर यार सुबह सुबह और भी लोग यहाँ पे आते रहते तो काफी ज्यादा भीड़ होता है और यहाँ पे जो है शिवरात्रि में मेला भी काफी जो है ज्यादा लगता है, तो यार काफी जो है अच्छा खासा माहौल बनता है। अभी मैं आपको जो डायरेक्टली इस मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ। मंदिर में आने के बाद कुछ इस प्रकार से इस मंदिर का व्यू देखने मिल जाता है जो कि यार काफी ज्यादा खूबसूरत एंड काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। अभी मैं आपको यार चारों ओर से दिखाता हूँ, उसके बाद मैं नीचे चल के और दिखाऊंगा। इस मंदिर का बाबा जी भी यहाँ पे मौजूद है, तो आइए इन बाबा जी से इस मंदिर के बारे में। तो बाबा जी बताइए कि मंदिर मतलब कितना साल लगभग पुराना है? 1 लाख साल पहले। और कुछ बताइए इसका जैसे इतिहास? मंदिर बहुत पुराना है, सतयुग के टाइम का मंदिर है और ये स्थापित किसी के नहीं है, प्राकृतिक चीज है। अच्छा, देखिए जैसे पखल में गुफा बना और गुफा के अटैच में शंकर जी है और इनके पास अर्घा नहीं है, स्थापित होता तो अर्घा रहता लेकिन अर्घा नहीं है। और माँ गंगा बरोबर आती है, अभी पानी निकल रहा है, अब फिर नहीं पानी हो जाएगा। और बाबा जी सुनने में आया है कि ये जो पानी दिखाई दे रही है कभी मतलब समाप्ति नहीं होता है। भगवान जो है गंगा के साथ में प्रकट है। हाँ। और जो यहाँ मन्नत मांगता है श्रद्धालु, सब श्रद्धालु लोग आए हैं मन्नत के लिए और सबके मन्नत पूरा होता है। ओके तो ठीक है यार, अभी मैं आपको चलिए नीचे दर्शन कराता हूँ। बाबा जी जो है आपको इसका हिस्ट्री बता। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कुछ इस प्रकार हमारे भोलेनाथ जो है विराजमान है। बाबा जी जो है बताए कि यहाँ पे ये पानी जो देखने मिल रहा है ये बिल्कुल भी कभी खत्म नहीं होता है। और ये भी बताए कि ये जो है किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, ये ऑटोमेटिक जो है प्रकृति के द्वारा जो है बना है। तो काफी यार ब्यूटीफुल सा यहाँ पे भोलेनाथ जी का प्रतिमा देखने मिलता है, तो यार काफी जो खूबसूरत नजारा देखने मिल जाता है। यहाँ पे जो भी मन्नत आप लोग मांगेंगे यार वो मनोकामना जो है आपका पूर्ण होगा। यहाँ पे बाबा जी भी जो है यहाँ पे बहुत साल से है, जैसे कि आपको बताया कि यार 1 लाख साल पुराना है यार, ज्यादा पुराना मंदिर है तो काफी ज्यादा पुराना मंदिर हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग यार एक बार जरूर विजिट कीजिए और इस मंदिर में आने के बाद भोलेनाथ जी से आशीर्वाद लीजिए। बेसिकली यार ये बिल्कुल यार इसके अंदर पत्थर है, बिल्कुल यार ईट वगैरह आई थिंक नहीं लगाया गया। बाबा जी बताए अंदर से कि इसमें जो है मतलब ऊपर से ये सीमेंट का लेयर लगाया गया। और इस साइड में काशी वगैरह से आए हुए बाबा लोग भी यहाँ पे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी जो है बेलपत्र जो है तोड़ रहे हैं ताकि जो है सभी श्रद्धालु जो है पूजा पाठ जो है कर सके। और हर हर महादेव। और इस साइड में भी आप लोग देखेंगे तो सभी लोग जो है यहाँ पे भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो काफी यार एक महिमा के विषय में मुझे एक ही बार रहना है शंकराचार्य जी बताइए कहना है। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद्यत् कर्म करोति तद्य अखिलं संभूतवाराधनम्। शंकराचार्य जी ने कहा है कि आत्मा त्वं, हे शिवजी आप मेरी आत्मा हैं। गिरजा मति, गिरजा जी मेरी
बुद्धि है। तो आत्मा तम गिरजा मति सहचरा प्राणा, प्राण जो है आपके गण है, और जो भी हम करते हैं दिन रात में जितना भी कर्म करते हैं वो आपका ही समझ लीजिए। अगर मैं सोता हूँ तो आपके लिए प्रति लग रही है, जान लीजिए कि समाधि लग गई। अगर भोजन करते हैं तो जान लीजिए कि आपके का भोग लगा रहे हैं, और जितना हम दिन भर चलते हैं मानो आपकी परिक्रमा ही कर रहे हैं। तो हमारे समस्त जागतिक कार्य जो भी है संसार के वो सब आपके चरणों में समर्पित है। और मैं काशी से आए हुए आनंद चौबे जी, राजस्थान से हमारे राजेश शर्मा जी, और हमारे बड़े भाई अजय त्रिपाठी जी जो कि इसी ग्राम से, इन्हीं के सौजन्य से हम लोग यहाँ दर्शन करना आना प्रारंभ किए। सर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समस्त संसार के कल्याण के लिए, मित्रों के कल्याण के लिए, सभी के लिए, और इस भगवान भोलेनाथ से नित्य प्रार्थना करता हूँ कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम, शांति शांति। हर हर महादेव। ओके यार, तो काशी से आए बाबा जी जो है काफी जो है ऐसा बात बताया कि यार इसे आप लोग एक बार सुनिएगा तो यार पूरा का पूरा सुकून मिलेगा यार। और ऐसा ऐसा धार्मिक स्थल पे आप लोग विजिट कीजिए यार, आप कहीं से हैं, बाबा खोनहर नाथ जी का आके आप दर्शन करिए यार, बिल्कुल यार आपको काफी ज्यादा सुकून मिलेगा, काफी ज्यादा सुकून। तो यहाँ पे आप लोग आएंगे तो यार यहाँ पे आपको जो है बजरंग बली का प्रतिमा काफी ज्यादा खूबसूरत सा देखने मिलेगा। तो यार सभी लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। खैर यार सुबह सुबह यार और ज्यादा यहाँ पे भीड़ लगता है, अभी तो यार उतना ज्यादा भीड़ नहीं है। खैर पूरा का पूरा इस मंदिर का नजारा मैंने आपको दिखा दिया जितना भी था, और इस साइड में यार काफी खूबसूरत सा डेवलपमेंट चल रहा है। और यहाँ पे यार उस साइड में बाहर आप लोग जाएंगे तो उस साइड में भी दुकान वगैरह जो है लगता है, क्योंकि जो है आज सावन का थर्ड सोमवार था तो काफी जो है प्यारा सा दुकान लगा हुआ है यार। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ बनने वाला है तो इस प्रकार से बनाया गया, ये जो बेसिकली लाइट है। तो जब रात के समय आप लोग यहाँ पे आएंगे तो काफी जो है मतलब अच्छा ग्लो करता है एंड काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। आप लोग भी जरूर बीच कीजिए, आपको जो अलग अलग भवन विवाह मंडप वगैरह देखने मिल जाता है, तो काफी एक प्यारा सा स्थान देखने मिलता है शादी विवाह के लिए। पूरा का पूरा व्यवस्था यहाँ पे आपको देखने मिलता है।